हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें गिवन पार्ट हमें क्या दे रखा है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड कंपनी। सॉरी सॉरी नो, ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी अगला क्वेश्चन हमें करना है। यस, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है 2 ईयर की, हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, रिजर्व के लिए नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। देन हमारे पास करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसके अंदर, और इसका भी नोट नंबर दे रखा है हमें। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है और उसका भी नोट दिया हुआ है, ठीक है। देन एसेट साइड में नॉन करंट एसेट है, उसके अंदर फिक्स एसेट में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर करंट एसेट्स है। अब नोट्स के अलावा हमें लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और दी है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन जो है अमाउंट्स टू 18,000। यानी आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कितने पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो में इश्यू आता है कि अगर लोन की अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है, जो शुरू वाली ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है, क्लोजिंग पे। तो यहाँ वो टेंशन खत्म, आपको जो इंटरेस्ट इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है वो बात हमारे लिए इंटरेस्ट पेड आ गया, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है कैश कितना गया होगा, तो वही चाहिए, वो मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, हमें बैलेंस शीट दी हुई है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 है और वहां पर रिटेन अर्निंग दे रखी है केवल, यानी और कुछ नहीं है हमारे पास इसमें एडजस्ट करने के लिए। इस रिटेन अर्निंग के डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए। आइए तो रिटेन अर्निंग का जो डिफरेंस है इसी को माने, तो कितना था, पिछली बार 50,000 था, इस बार 60,000 हो गया है, यानी आपने कितना ट्रांसफर किया होगा पीएनएल, इस बार कितना 10,000 रुपए, ठीक है, इनका दोनों का डिफरेंस। तो 10,000 ये लिख लेते हैं हम यहां पर, एक मिनट बस। हाँ जी, 10,000 रुपीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपके पास। एक मिनट बस, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी, 10,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, हम आगे चलना है, हमें सारी चीजें देखनी है वन बाय वन, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शेयर कैपिटल को ही, वन बाय वन चीजें छूटे नहीं। तो शेयर कैपिटल के लिए कोई नोट्स टू अकाउंट्स तो देखो नीचे दे नहीं रखा। शेयर कैपिटल पिछली बार 3 लाख थी, इस बार 4 लाख हो गई है, यानी 1 लाख के शेयर इश्यू किए गए होंगे। इश्यू किए गए शेयर यानी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा। आइए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने फॉर्मेट पहले ही बना रखा है, तो फाइनेंसिंग में प्लस कर देते हैं इसको, प्लस कर लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, कितना अमाउंट, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रीट कर चुके, नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके लिए नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो चीजें हैं, मॉर्गेज लोन है हमारा एक तो, और पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, आपको इसके पब्लिक डिपॉजिट के इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मॉर्गेज लोन के इंटरेस्ट की बात करें तो हमें इंटरेस्ट देना है क्योंकि रेट दे रखा है। अब बात आती है कि ओपनिंग पे दें क्लोजिंग पे दें, तो वो हमारी समस्या खत्म हो गई है क्योंकि क्वेश्चन नीचे दे रखा है गिवन हमें। अब उसके बाद दूसरी बात करें, इनका इनफ्लो आउटफ्लो कितना है खुद इन बोरोइंग्स का, 15% मॉर्गेज लोन पिछली बार 1 लाख का था, इस बार 1,30,000 हो गया, यानी 30,000 का और लोन लिया है आपने, तो वो एड हो जाएगा। प्लस 15% मॉर्गेज लोन कितना, 30,000 रुपए आ गए होंगे इससे। और पब्लिक डिपॉजिट की बात करें तो पिछली बार 70,000 था, इस बार 10,000 है, यानी आपने इसे रीपे कर दिया होगा, पेमेंट कर दी गई होगी, कितनी, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 60,000 रुपीज आपने पेमेंट किया गया होगा। वो पेमेंट किया है तो माइनस करें पब्लिक डिपॉजिट रीपेड, या पेड भी लिख सकते हैं, आपने पेमेंट कर दिया, पेड लिख दो इसको, कितना 60,000। साथ में एक चीज और, आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे दी हुई है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, इसे भी हम लिखें आउटफ्लो में, माइनस कर लेते हैं इसको भी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन कितना है, 18,000 रुपए, ठीक है। चलिए जी, अब ये इंटरेस्ट पेड ऑन जो मॉर्गेज लोन है, ये आपने पीएनएल में डाला होगा, इंटरेस्ट खर्चा है हमारा, तो पीएनएल में नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी जो वहां पे माइनस हुई थी, तो उसका रिवर्सल, उसका इंपैक्ट हटाना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्ट करना होता है, तो इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन
कितना है जी ये लोन? 18,000 रुपए का है ये अमाउंट, 18,000 हमने ऐड कर लिया। चलिए इसके आगे चले अब हम लोग। अब हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, करंट लायबिलिटीज की बात करें ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल हमारे पास एडजस्ट होने हैं कहां जी? अपने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट जो ऑपरेटिंग का पार्ट है वहां एडजस्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग में ये देखो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, बट पहले हमारे पास ये चीज आ गई, इसको लिख लें ठीक है। तो इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स देखें हम लोग। ट्रेड पेबल में दो चीजें हैं, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर है और एक बिल पेबल है। सन्ड्री क्रेडिटर की बात करें 1,10,000 से इंक्रीज होकर 1,40,000 हो गया है, उधार लिया है कुछ पैसा नहीं गया होगा, प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस करें इसे, प्लस इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक है जी। कितना अमाउंट? 30,000 का ठीक है। उसके बाद बिल पेबल की बात करें तो पिछली बार 15,000 थे और इस बार ये डिक्रीज होकर 8,000 रह गए, यानी पेमेंट की गई होगी, पेमेंट की गई होगी तो माइनस करें, डिक्रीज इन बिल पेबल ठीक है। कितना हुआ होगा ये? 8 बच गए हैं तो 5 और 2, 7,000 पे किए गए होंगे, ये 7,000 आपने पे किए होंगे, मैंने माइनस करवा दिया आपके ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखें हम लोग ने जो इक्विटी लायबिलिटी साइड है उसे पूरा कवर अप कर लिया इंक्लूडिंग इट्स नोट्स टू अकाउंट्स। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट्स हैं। पिछली बार 1,72,000 यानी 1,72,000 था इसका बैलेंस, इस बार 2,96,000 आ गया है बैलेंस। तो ये बैलेंस जो इंक्रीज हुआ है यानी आपने एसेट को खरीदा होगा, टेंजिबल एसेट को तो खरीदा होगा, तो फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है, इन्वेस्ट किया आपने किसी एसेट में तो आउटफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग का, पैसा गया वहां पे, आइए लिखें इसे, पैसा गया है माइनस करना है ठीक है। परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है हमारे पास ये, और इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा, 2,96,000 में से 1,72,000 माइनस करके मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है जी? कितना बता रहे हैं? 1,24,000 ठीक है। 1,24,000 ये लीजिए, 1,24,000 आ गया। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम इंटेंजिबल एसेट की बात करें। पिछली बार 60,000 था, इस बार केवल 45,000 रह गया, यानी आपने इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ किया होगा, और राइट ऑफ ना कहकर मुझे कहना चाहिए एमोर्टाइज किया होगा ठीक है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज किया होगा, एमोर्टाइजेशन हुआ होगा उसका। और वो कितना अमाउंट है उसका? ये है हमारा 15,000। तो ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, पीएनएल में जो गया होगा तो उसे भी रिवर्स करो, प्लस करो, एमोर्टाइजेशन amortization of intangible asset, write off भी बोल सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, but correct word तो amortization है intangible asset, 15,000 ये भी जी एड बैक कर लिया हमने। आइए इसके बाद चले नीचे करंट एसेट्स पर। करंट एसेट में सबसे पहले करंट एसेट भी करंट लायबिलिटी भी दोनों आपको कहां एडजस्ट करनी होती है? वर्किंग कैपिटल चेंज में, बट दो चीजें एडजस्ट नहीं होती, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एक बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है। तो आइए इन्वेंट्रीज की बात करें। पिछली बार 2,00,000 था, इस बार 2,80,000 हो गया, यानी आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया होगा, मतलब पैसा लगाया होगा ना, तो पैसा इन्वेंट्री में लगाया तो पैसा नहीं आया कि बराबर हो गया, माइनस कर दो ठीक है। आइए इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना जी? 80,000 रुपीज, 80,000 ना, हाँ 80,000 रुपीज। देन हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल, पिछली बार था 1,23,000, इस बार डिक्रीज होकर 94,000 आ गया है, डिक्रीज हुआ है तो पेमेंट आया होगा, प्लस कर लेते हैं इसको, प्लस ये हमारा है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है। चलिए तो इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो, 23,000 तो वो है और 6 ये, 23 और 6 कितने हो जाएंगे? 29,000 हो जाएगा ठीक है, 29,000 प्लस कर लेते हैं, 29,000 आ गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां आएगा नहीं, ये नीचे जाके नेट में हम इसे एडजस्ट करेंगे, और अदर करंट एसेट्स को एडमिट एडजस्ट करना चाहिए, और उसके लिए नोट टू अकाउंट दे रखा है। अदर करंट एसेट का नोट टू अकाउंट है नोट 4 प्रीपेड इंश्योरेंस का, पिछली बार 10 था, इस बार 15 हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया होगा 5,000, तो माइनस करते हैं इसको, आइए माइनस
इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है 5,000 रुपीज, ठीक है, चलिए माइनस कर लिया। अब हमारे पास टैक्स पेड की तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यही अमाउंट हमारा क्या बन जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले हमारे पास और कुछ चीजें नहीं है एडजस्ट करने के लिए, तो हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले मुझे आप एक काम करके बताइए, जो हमारा ऑपरेटिंग का टोटल है ये 10,000 + 18 + 15 कितना हो गया जी, इन तीनों का अमाउंट मुझे बताओ टोटल कितना, 43,000, ठीक है। ये 43,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस 43,000 में 30,000 ऐड करो, 7,000 माइनस करो, 80,000 माइनस करो, 29,000 प्लस और 5,000 माइनस कर दो, मुझे बताओ अब कितना आ रहा है अमाउंट, ठीक है। पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये भी बताना। कितना पॉजिटिव का 10,000 है, ठीक है, पॉजिटिव का 10,000 है, तो ये क्या कहलाएगा अमाउंट, ये अमाउंट जो आया है हमारा ये कहलाएगा जी, मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं, ये आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कितना आया जी, 10,000। इसी अमाउंट को हम मेन कॉलम में भी लिख देते हैं, ये लीजिए 10,000 आ गया। अब इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग में और कुछ है नहीं, तो इसी को मान लेते हैं क्या, इसी को मान लेते हैं नेट कैश यूज्ड, क्योंकि नेगेटिव है तो यूज्ड लिखेंगे इसे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेगेटिव में 1,24,000 यूज हुआ है, ठीक है, यहां मेन कॉलम में लिख लें इसे, माइनस में 1,24,000, ठीक है, इन्वेस्टिंग भी हो गया। अब आते हैं फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में भी बस हमारे पास ये चार चीजें ही हैं, तो इनका भी एडजस्ट करके मुझे बताओ, ये पॉजिटिव में ही आएगा आंसर, 1,30,000 में से ये कितने हो गए, 78,000 माइनस करो, ये क्या आ जाएगा जी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो मुझे बताइए नेट कैश कितना आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमारे पास, कितना बताइए, कैलकुलेट करके बताओ, 1,30,000 में से 78,000 माइनस करो, कितना है, 52,000, ठीक है, 52,000 आ गया हमारे पास ये, इसे मेन कॉलम में भी लिख लेते हैं 52,000 को, तीनों एक्टिविटीज का हमने मेन कॉलम में लिख लिया, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, 10,000 प्लस का है, प्लस 52,000 प्लस का है, माइनस में 124 है, तो मुझे बताओ इनका तीनों का टोटल कितना आएगा, नेट नेगेटिव में आएगा, मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, कितना 62,000 नेगेटिव का है, 62,000 बड़ा करके लिखूं क्या, ये लो स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं दोबारा, ये नेगेटिव में 62,000 आया है, और ये क्या कहलाएगा जी, ये कहलाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेट डिक्रीज कितना आ गया इस साल में, 62,000 आ गया। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, इसमें आपने प्लस करना है, ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ऑफ, ये ओपनिंग की स्पेलिंग में कुछ डाउट हो तो मैं दोबारा लिख दूं क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए ओपनिंग बैलेंस कहां से देखें जी, आपकी बैलेंस शीट में आओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपीज। अब नेगेटिव के 62,000 में पॉजिटिव का 80,000 ऐड होगा तो फिगर आएगा आंसर क्लोजिंग में पॉजिटिव का कितना, 18,000। अब ये जो 18,000 है ये आपका आंसर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
ठीक है जी, चलिए तो ये आपका आंसर आ गया 18,000। इसे आपने क्या करना है, इसे आपने अपने बुक के में जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उससे मैच करना है। दोनों सेम है तो आंसर सही है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ है। ठीक है, देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18,000 है, यानी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, मैं आपको तीनों एक्टिविटीज बारी बारी करके दिखा देता हूं। ये आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिख रही होगी पूरी स्क्रीन पर, और उसके नीचे का पार्ट भी दिख रहा है जो टोटल करके दिखाता है। उसके ऊपर हमारे पास ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर, और ये इसके ऊपर हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटीज प्लस मैंने कंसोलिडेटेड पूरा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाना है, तो वो भी मैं कोशिश करता हूं स्क्रीन पर दिखा पाऊं। थोड़ा जो साइज है ना काफी छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग करके भी दिखा दिया। ये लीजिए, तो आपके पास कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गई इस क्वेश्चन की। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके,